अरे ये कौन आ गया, पूजा के बीच में परेशान कर दिया। तू हो गया तेरा आने के टाइम, पूजा कर रही थी मैं, मेरी पूजा भंग कर दी तूने, और साथ में एक इस नमूने को लेके आ गई आज तू। हैं ये कौन सा भेष धारण कर रखा है इस बच्चे ने? बाल के लिए बेटा है मेरा, इसने आने की बहुत ज्यादा जिद करी तो मैं इसको अपने साथ ही लेके आ गई। अंदर आप काम कर, चल चल अंदर। बेटा मैं ये रसोई का सारा काम कर लूँ, तुम यहाँ पे इस कोने में बैठ जाओ, और तुम यहाँ से बिल्कुल भी हिलना नहीं, ठीक है? कुछ किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाना, यहाँ पे बैठ के खेलना, ठीक है? मैं काम कर लेती हूँ। मम्मी। हाँ बेटा, क्या हो गया? वहाँ मंदिर में क्या रखा है? बेटा मंदिर में ना आज जन्माष्टमी है, तो बेटा मंदिर में लड्डू रखे हैं और साथ में माखन भी रखा है, पर बेटा तुम माखन को लड्डू को हाथ मत लगाना, नहीं तो मालगिन बहुत ज्यादा। पर मम्मी आप हमारे घर पे क्यों लाती है सब? बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं है ना, तो मैं इसलिए नहीं लेके आती। बेटा कोई बात नहीं बेटा, मैं तुझे आज अपने हाथों से बना के खिलाऊंगी। जब मैं बड़ा होगा ना, मैं भी आपको खिलाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम यहाँ बैठो, मैं काम कर लेती हूँ। पर तो बेटा मंदिर में रखे लड्डू को हाथ मत लगाना, नहीं तो मालकिन गुस्सा करेंगे। ठीक है, मैं काम करके आती हूँ। सुनो मैं जरा बाहर जा रही हूँ। घर पे बेशक वो काम करने वाली आई हुई है, लेकिन कम से कम तुम तो समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, ऐसे बात करा जाते क्या किसी से? आपने देखा नहीं मेरे पूजा में भंग कर दिया उसने? यार पूजा ठीक है, भगवान अपनी जगह है और इंसान अपनी जगह है। आने के टाइम 8 बजे ना आई और 9 बजे, पता नहीं उसको क्या मेरा इस टाइम पूजा का टाइम होता है। ठीक है मेरी माँ, जहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? मैं जरा किसी काम से बाहर जा रही हूँ, आप जरा दीपा से ना काम करवा लेना, घर का देख लेना थोड़ा सा। ठीक है चलो जाओ। चलो ठीक है। अरे खाली हाथ क्या करने गई थी बाहर? आप भी ना पानी पूछा ही है मुझसे, बस खाली हाथ कुछ लेने गई थी, नहीं मिला मुझे, फिर मैं अपनी सहेली के घर होके आ गई। अब ज्यादा समझ जाओ मत करो, मैं तेरा वॉशरूम जा रही हूँ। अरे सुनते हो क्या हुआ? ये सारे के सारे लड्डू कहाँ चले गए, और ऊपर से माखन भी नहीं है, देखो बिल्कुल खाली पड़ी है कटोरियाँ। देख वही होगा यार, कहाँ जा रहा है, देख जरा ध्यान से। मैं आपको समझा रही हूँ, अगर मेरे लड्डू किसी ने खाए हैं ना तो ठीक नहीं होगा उसके लिए। दीपा ये मालकिन, दीपा इधर आ, मुझे शक है कि इसके लड़के ने खाए हैं, और अपने लड़के को भी साथ ले क्या? बेटा बेटा मालकिन बुला रही है, बाहर आ जाओ जरा। तेरे को देख नहीं रहा, तेरे बेटे के मुंह पे लड्डू लगा हुआ है और साथ में माखन से पूरा मुंह लचेड़ रखा है इसने, हैं? मैं जरा से देर के लिए बाहर क्या गई, तूने मेरे कृष्ण के लड्डू अपने बेटे को खिला दिए और माखन भी सारा खिला दिया उसको, है मेरे कृष्ण जी भूखे रह गए? दीपा तूने यही सिखाया अपने बेटे को, है कि दूसरे के घर में जाके इस तरह चोरी से खाना खाए? तू और तेरा बेटा ना एक नंबर के चोर हो। मालकिन में काम में लगी हुई थी, मेरी नजर बच
बच्चे पे बिल्कुल भी नहीं थी। अगर मुझे पता होता कि बच्चा मेरा कुछ खा रहा है तो मैं उसको बिल्कुल नहीं खाने देती मालकिन। अर्चना, इतनी देर से तेरी बकवास सुन रहा हूं मैं, दिमाग है या नहीं है? इतनी देर से वो लड्डू और माखन वहां पड़ा हुआ था, क्या तेरा भगवान खाने आया है? वैसे तो बहुत पूजा पाठ करती है, बच्चे ने अगर खा लिया तो कौन सा बहुत बड़ा जुल्म कर दिया? वैसे भी वो लड्डू क्या काम के थे वहां पे, अगर ये बच्चा नहीं खाता तो फेंके ही जाते। थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार तुम, इसके अंदर देखो तुम्हें क्या भगवान नजर नहीं आ रहा? ध्यान से देखो इसके अंदर। माफ कर दे, मैं एक पत्थर की मूरत में भगवान खोज रही थी। भगवान तो मेरे साक्षात मेरे सामने थे, मैं क्यों नहीं पहचान पाई अपने कन्हैया को? मुझे माफ कर दे बेटा, तू बैठ यहाँ पे, मैं खुद अपने हाथों से तुझे लड्डू खिलाऊंगी।